नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना मत भूलिए, क्योंकि इसका रीज़न आपको पता ही चलने वाला है। क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रहे हैं स्कूलों के तरफ से, उसका जो शेड्यूल है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, सपोज़ क्लास 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो वो क्लास 1 बजे तक या 2 बजे तक, कभी कभी 3 बजे तक भी कंडक्ट हो रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे गाइडलाइंस जारी की है और उसके चलते ही स्कूलों की जो मनमानी है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अब वो बंद होने वाली है। तो दोस्तों वो गाइडलाइंस क्या है ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या कर देना, शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी ये गाइडलाइंस समझ में आ जाए, और ये गाइडलाइंस क्या है वो समझ में आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्या होता है, जब ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा टाइम के लिए कंडक्ट हो रही है तो स्टूडेंट के जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है, शारीरिक और मानसिक जो परिस्थितियाँ या स्थितियाँ है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसके चलते स्टूडेंट भी बहुत परेशानी में है और पेरेंट्स भी बहुत परेशानी में है। कभी कभी क्या हो जाता है, सपोज़ एक स्टूडेंट है जो 10th क्लास में है, उसका ही भाई है या फिर बहन है तो वो 8th क्लास में है या 7th क्लास में है, तो एक ही घर में लैपटॉप भी है, एक ही घर में फोन स्मार्टफोन्स भी है, नेट भी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और उसके लिए नेट पैक भी बहुत लगता है। और बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रहे हैं इसलिए बहुत टाइम तक लैपटॉप हो जाए या फिर फ़ोन पे स्मार्टफोन पे वो सब यूज़ कर रहे हैं, इससे जो उनकी मानसिक और जो शारीरिक परिस्थितियों में कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो इसके चलते ही पेरेंट्स आजकल बहुत ही दुविधा में है कि इसको किस तरह से मैनेज कर दिया जाए। तो इसी को चलते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, वो गाइडलाइंस क्या है हम वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए ये जो कैटेगरी है उन्होंने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया है। एक क्लास है शिशु क्लास, सेकंड क्लास है 1st से लेके 8th तक क्लास, और जो 3rd है वो है 9th से लेके 12th तक क्लास। तो इनको अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है और उस तरह किस तरह से क्लास कंडक्ट करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइन दी है, और स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगा स्कूलों की किस तरह से क्लासेस आपको कंडक्ट करना है। तो इसके जो गाइडलाइंस है कुछ स्कूलों में आ गए हैं, तो उसी के चलते हुए आपको जल्द ही आपके स्कूल्स कॉन्टैक्ट करने ही वाले हैं, या कुछ जनों को, कुछ कोई जो स्टूडेंट है उनको अभी तक कांटेक्ट भी हो गया होगा कि किस तरह से आपके वीकली क्लासेस कंडक्ट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी है शिशु क्लास, जो कि आंगनवाड़ी बालवाड़ी के जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो तो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ने ये डिसाइड किया है होल वीक में, पूरे एक हफ्ते में एक 30 मिनट का सेशन कंडक्ट होगा। तो वो जो सेशन है वो पेरेंट्स एंड टीचर के बीच में ही कंडक्ट होने वाला है। वो जो 30 मिनट का सेशन होगा, उस 30 मिनट के सेशन में जो टीचर्स है वो पेरेंट्स को कुछ गाइडलाइन देंगे कि होल वीक में आपको किस तरह से क्लासेस कंडक्ट करनी है, या किस तरह से आपको अपने जो स्टूडेंट है, अपने जो बच्चे हैं उनको किस तरह से होल वीक में उनको सिखाना है, किस तरह से क्या क्या लेना है। ये पूरे वीक में एक आधे घंटे का सेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर कंडक्ट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट का जो है वो स्टडी चलती रहेगी। अभी सेकेंड जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट क्लास है, तो वो है 1st से लेके 8th तक। तो ये जो क्लास है, इस क्लास में ध्यान रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका जो एक सेशन होगा, एक सेशन होने वाला है 30 मिनट से लेकर मैक्सिमम 45 मिनट का एक सेशन, मीन्स एक क्लास कंडक्ट होगा। और ऐसे मैक्सिमम कितने क्लासेस कंडक्ट होंगे हर एक दिन में, ओनली 2। सपोज
एक जो 30 मिनट का सेशन कंडक्ट हुआ है एक टीचर ने लिया है सपोज मैथ के, और जो सेकंड सेशन कंडक्ट किया है इंग्लिश के टीचर ने, 30 + 30 तो टोटल मिनट हो गए 1 आवर। ओनली 60 मिनट का ही आपको क्लास अटेंड करना होगा स्टूडेंट के लिए। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा देर स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं बैठेंगे और उससे उनकी मेंटल एंड द फिजिकल हेल्थ अच्छी रह सकेगी। ठीक है, तो ये सेशन जो होने वाला है अगर सपोज 45 मिनट का हो गया तो 45 + 45 90 मिनट्स, मैक्सिमम 1.5 आवर ही सेशन कंडक्ट हो सकेगा। तो टोटल डे में ओनली 2 सेशंस कंडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो लर्निंग है ऑनलाइन लर्निंग है वो चलती रहेगी। नाउ सबसे बड़ा जो क्लास है वो जो क्लास है वो 9 से लेकर 12 तक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट क्या होता है, जब 9 से लेकर 12 का जो सिलेबस होता है वो ज़्यादा होता है, इनकी जो स्किल्स होती है, इनकी जो मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ होती है उन पे जो ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम हो रहा है। तो इसके लिए क्या गाइडलाइन है कि जो क्लास कंडक्ट होने वाला है, ध्यान दीजिए, ये जो क्लास कंडक्ट होने वाला है 30 से लेकर 45 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट के, ऐसे ओनली 4 सेशंस कंडक्ट होंगे इन होल डे। आपका जो पूरा डे, सपोज एक सेशन कंडक्ट हो गया, ये एक क्लास कंडक्ट हो गया 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स + 30 + 30 + 30, तो ये हो गया मैक्सिमम 2 आवर्स। अगर ये 45 का हो जाता है तो मैक्सिमम 3 आवर्स का टोटल आपका जो ऑनलाइन क्लासेस का जो सेशन है वो कंडक्ट हो गए इन 1 डे। तो इस तरह से आपके जो सेशंस है वो चलते रहेंगे और जो आपको आपका जो सिलेबस हो है वो भी कंडक्ट हो जाएगा। और इस तरह से आपको मानसिक और जो फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ है स्टूडेंट के बारे में, इनको बहुत ही अच्छे से ध्यान रख के स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्लासेस कंडक्ट करने की जो गाइडलाइंस है वो हर एक स्कूल को दे दिए है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ना कि बल्कि स्टूडेंट के लिए ही और टीचर्स के लिए ही, और ना कि बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए ही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि आपके जो क्लास है ऑनलाइन क्लासेस है वो किस तरह से कंडक्ट होने वाले हैं।